यार वो मेरी क्रश है, बट मुझे उससे ना दोस्ती नहीं करनी, मुझे उसके दिल में बसना है, मुझे उससे ना प्यार वाला सीन क्रिएट करना है। तो ये प्यार वाला सीन कैसे क्रिएट होगा? अरे यार लड़कियां ना दोस्ती पर बहुत सारे लड़कों को टिका देती हैं। आपके साथ भी कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा। क्रश से दोस्ती ही नहीं करनी, क्रश के दिल तक जाना है। लेकिन आखिर ये लड़कियां ऐसा करती क्यों है? क्यों लड़कों को सिर्फ दोस्त ही बना लेती है और दोस्त तक ही रखती है? तो देखो, लड़कियों का पहला स्टेप होता है कि जो दोस्ती है ना उससे वो सारी चीजें जानती है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसपे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। अगर आप देखो कि किसी भी अच्छे और सक्सेसफुल रिश्ते में सबसे पहली चीज जो होती है, सबसे पहला रिश्ता होता है, वो दोस्ती का ही होता है। दोस्ती के बाद आप दोनों के बीच में वो भरोसा क्रिएट होता है, उसके बाद जो है आपके बीच में लव लाइफ वाला ट्रायंगल शुरू होता है। तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं ना जो सिर्फ क्रश को देखते ही रह जाते हैं या फिर फ्रेंड जोन में ही रह जाते हैं, उससे बाहर ही नहीं आ पाते। तो ये जो टिप्स है ना, इसे जरूर फॉलो करना। 100% आप फ्रेंड जोन से उसके दिल के जोन में आ जाओगे। तो नंबर वन है कि प्लीज कोई जल्दबाजी ना करे। इतनी भी जल्दी क्या है यार कि जाकर उसे डायरेक्ट प्रपोजल दे दिया। अब इतनी जल्दी कोई प्रपोजल तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। मैं खुद बताती हूँ कि काफी दिनों तक लड़कियां जो हैं आपकी हर एक चीजों को देखती हैं, आपकी सारी चीजों को समझने के बाद ही वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है एज अ बॉयफ्रेंड। बट हाँ, फ्रेंडशिप में वो जल्दी ही आपको ले आती है। लड़कियों के एक वीकनेस है कि अगर वो आपसे परमानेंटली पूरी तरीके से भरोसे वाले रिश्ते में आ गई ना, तो फिर वो आपको सारी चीजें बताएंगी। जब आप उनकी सारी चीजों जानोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि उसके मन में क्या चलता है, वो किस टाइप की लड़की है, उसकी वीकनेस क्या है, कौन से पॉइंट में उसे कौन सी चीजें चाहिए होती हैं। तो फिर आप उसकी पसंद और नापसंद को समझ गए, आपका तो 50% काम यही हो गया। जल्दबाजी करने के चक्कर में क्या होता है कि लड़की ना आपको मीन मेंटेलिटी का समझ लेती है कि लड़का जो है ना वो मुझ पे चिपका ही जा रहा है, ये किस तरीके का चीप बंदा है। तो आप दिल से कितने भी अच्छे हो, उसकी नजर में आपकी इमेज तो एक चिपकू और चीप लड़के की तरह हो गई ना। दूसरी है कि प्यार में ना वैसे प्रेडिक्टेबल हरकतें ना करें, वैसी चीजें जो कॉमनली सब कोई करते हैं, जैसे कि बात करें उसके आगे पीछे घूमना, उसे प्यार भरे लेटर्स लिखना, उसे प्यार भरे इशारे करना, बहुत सारी चीजें उसे पैम्पर करने के लिए आप चॉकलेट वगैरह बहुत सारी चीजें करते हो और मैसेजेस करना, ये चीजें करना अवॉइड करो। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आप उसे नॉर्मली चैट कर सकते हो भरोसा क्रिएट करने के लिए, बात करने के लिए, बट इतना ज्यादा प्लीज ना करो। फैमिली में ना जल्दी ना घुसे। देखिए, पर्सनल लाइफ में किसी को भी एंट्री देना अच्छा नहीं लगता, लड़कियों को स्पेशली ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना कि वो 2 दिन नहीं आए हुए और उसकी फैमिली के बारे में सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री वो जानना चाहता है। दिस इज नॉट गुड। आप इतनी जल्दबाजी ना करो। हाँ, आप इस चीज का वेट करो कि आप एक अच्छा इमेज लेके जाओ। जब भी उसकी फैमिली से मिलो तो वैसी पर्सनालिटी में जाओ, वैसे इमेज के साथ जाओ कि लड़की आपको खुद इंट्रोड्यूस कराए कि हाँ ये है मेरा बॉयफ्रेंड या ये है मेरा फियांसे, फ्यूचर फियांसे, या हम दोनों शादी करने वाले। ऐसी चीजें आप इतना अच्छा माहौल उसके पास क्रिएट करो कि वो खुद ही आपको बोले ना। फ्रेंड जोन में मत रहो और उसके लाइफ में इतना भी एज अ फ्रेंड ना घुसो, इतनी उसकी फैमिली में ना घुसो कि उसे ऑकवर्ड लगे। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कि खुद को ना इतना भी नीडी शो करना जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत जरूरी है गर्लफ्रेंड की, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ वरना मैं मर जाऊंगा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे कोई भाव ही नहीं देती। बॉयज ना अक्सर अपने क्रश के सामने कुछ ऐसे ही डिजायर रखते हैं और एक्सप्रेशन के थ्रू, अपनी एक्टिविटी के थ्रू, अपनी हरकतों के कारण ही उनकी क्रश उन्हें इतना इग्नोर करती है, उनको भाव ही नहीं देती। आपको एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है कि लड़कियां से ही लड़कों को भाव देती है, इम्प्रेस होती है, उनके ही कांटेक्ट में आती है, जो लड़के उन्हें थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और उन्हें ज्यादा टाइम नहीं देते। लास्ट वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट कि हमेशा आप फ्रेंड जोन में ही ना रह जाए। देखो, हर चीज के लिए एक लिमिट होती है। आपकी दोस्ती कब शुरू हुई और कब तक आपके बीच में फ्रेंडशिप जो है वो गहरी हुई, क्या है करेक्ट समय, उस टाइम पे आपको प्रपोजल जरूर देना है। अगर आप प्रपोज नहीं करोगे तो हो सकता है कि उस बात को पूरी तरीके से एक्सप्रेस भी ना करें,
उसके दिल में हो बट वो आपके सामने जाहिर ना करे, क्योंकि लड़कियां अपने प्यार को जल्दी शो नहीं करती। आपको एक टाइम लिमिट के साथ और एक सही समय में अपना प्रपोजल उसे देना है। प्रपोजल दे, बट ऐसा प्रपोजल दे जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट है और करोड़ों का है। अगर ऐसी साइकोलॉजी आप उसके साथ खेलोगे तो फिर वो जल्दी ही आंसर देगी। अब ये कैसे करना है, आप उनको एक सही और बहुत कम टाइम लिमिट दो कि इस टाइम तक आप मुझे प्लीज बता दीजिए। ऐसे में उसे लगेगा कि अरे इसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर मैं इसे सही टाइम पे नहीं बताऊंगी तो फिर शायद ये मेरे हाथ से निकल जाए, और उसके माइंड में ये बात काफ़ी देर तक चलती रहेगी, हिट करेगी कि इसने मुझे एक टाइम लिमिट दिया है। तो कई बार आप देखते हो ना कि कोई चीज़ें अगर आपको टाइम लिमिट तक मिले, चाहे कोई डील ही क्यों ना हो, तो आप उस पर ज़्यादा एक्टिविटी दिखाते हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारे माइंड के साथ और लड़कियों के साथ भी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख कर आप किसी के फ्रेंड जोन में नहीं रह सकते हो। आपकी क्रश आपको एज अ बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करे, आपका प्यार समझे। तो ये टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसी लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। क्या आपकी भी कोई क्रश है तो प्लीज़ नाम ज़रूर लिखना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ बहुत सारा लाइक करें। थैंक यू।